All my dear brothers, sister and family, viewers of YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram, सबके लिए निवेदन है मेरा, सोच मत शुरू करो, इधर उधर भागो मत, पलवाहिन में ज्वाइन करो। कितना मुसीबतें झेल रहा हो, लड़की का शादी, लड़का का भविष्य, मकान बनाना है, गाड़ी खरीदना है, अपना मनपसंद जगह घूमना है, सम्मान का साथ जीना है, तो एक साल नींद चैन को जागो तुम, पलवाहिन सफल बिना भागो तुम, सफलता कौन छीने तुमसे, हम तो चाहे पलवाहिन में काम करके हासिल बनो तुम, मैं तो चिल्ला के बोलूँगा इधर उधर मौत भागो नौकरी का तलाश में, गुलामी का जिंदगी से बाँचो तुम, समय को बर्बाद नहीं करके आ जाओ पलवाहिन में, वादा करता हूँ आज नहीं तो कल, एक साल और 2 साल में मालूम हो ही जाएगा। दोस्तों नेटवर्क में आ जाओ, नेटवर्क को सीख लो, अच्छा से समझो, दोस्त रिलेटिव को समझाओ, उनको भी लेके आओ, मिलजुल के काम करो, या ये अपॉर्चुनिटी है, जरूर आपको सक्सेस मिलेगा। लगे रहो, बने रहो, बुद्धि से काम करो, ऑलवेज पॉजिटिव रहो। ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, नोबडी कैन डू इट फॉर मी। इस दुनिया में हर कोई सपने देखता है, कोई छोटे सपने देखता है, कोई बड़े सपने देखता है। जो लोग बड़े सपने देखते हैं, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे बस में ही नहीं है। अगर आप भी उनमें से हैं जो बड़े सपने देखते हैं और लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। 94.3 बाय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बार की बात है, एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया करता था और उसके जो पापा थे वो एक अमीर सेठ के यहाँ पर नौकर थे। बच्चा पापा के साथ कभी कभी जाता था, देखता था कि पापा क्या काम करते हैं। तो पापा जो थे वो बड़ी बड़ी लग्जरी जो कार्स होती हैं उनकी साफ सफाई किया करते थे, गाड़ियों की साफ सफाई करते, इतना बड़ा बंगला, नौकर थे वहां पर। बच्चे को लगता था कि एक दिन ऐसा आए जब मेरे पापा इन गाड़ियों की सफाई ना करें, इनमें बैठे। एक दिन उनके स्कूल में टीचर ने कहा कि सब बच्चों को अपने सपने पर निबंध लिख करके लाना है। सबने ऐसे लिखा, बच्चे ने भी लिखा अपने ड्रीम पर। अगले दिन पहुंचा, कॉपी सबमिट करवाई। टीचर ने जब रिजल्ट अनाउंस किया तो हर बच्चे को पास किया, बढ़िया नंबर दिए, इस बच्चे को फेल कर दिया। बच्चे को समझ नहीं आया हुआ क्या, गया टीचर के पास जाकर के कहा कि सर मुझसे क्या खता हुई कि आपने सजा दी। तो टीचर ने कहा कि तुम अपने बस का कुछ लिखते, ऐसा लिखते जो कुछ हो सकता है, तुमने वो चीज लिख दी जो हो ही नहीं सकती। मतलब तुम खुद की हालत देखो, तुम लिख रहे हो तुम्हारे पास कार्स होंगी, लग्जरी कार्स होंगी, इतना बड़ा घर होगा। एक मौका और देता हूं, आज जाओ घर पर, दोबारा से सोचो, कुछ अपने बस का लिख करके लाओ तो मैं पास कर दूंगा। बच्चा गया घर पर, शाम में जाकर के उसने सोचा समझ नहीं आया, रात में सोते सोते सोचा समझ नहीं आया। उसको तो वही सपना चल रहा था कि बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, पापा उन गाड़ियों में बैठेंगे, इतना बड़ा घर हमारा होगा। अगली सुबह बच्चा गया, उसने कहा सर आपको फेल करना है तो आप कर दो, मैं नहीं अपना सपना बदलूंगा, मेरा सपना यही रहेगा। टीचर ने कहा